हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिनोनिम्स तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काफ़ी सारे नए वर्ड्स उनके मतलब और सिनोनिम्स जो आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद करेगा तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और इसका सिनोनिम होता है रिसीव और एग्री नेक्स्ट इज ए डी एम आई आर ई -E, एडमायर यानी प्रशंसा करना इसका सिनोनिम होता है प्रेज ए डबल एल ओ डब्ल्यू अलाउ यानी स्वीकृति इसका सिनोनिम है परमिट। ए डबल एस ई एम बी एल ई असेंबल यानी इकट्ठे होना इसका सिनोनिम होता है गैदर नेक्स्ट वर्ड इज़ ए एन एस डब्ल्यू ई आर आंसर यानी उत्तर देना इसका सिनोनिम होता है रिप्लाई ए डबल टी ई एम पी टी अटेम्प्ट यानी प्रयास करना इसका सिनोनिम है ट्राई नेक्स्ट वन इज़ ए आर जी यू ई आर्ग्यू यानी बहस करना इसका सिनोनिम होता है डिस्कस ए आर आई एस ई एराइज यानी उठना तो इसका सिनोनिम होता है get up. A एस के आस्क यानी पूछना इसका सिनोनिम होता है बैग और रिक्वेस्ट सी ए यू एस ई कॉज इसका मतलब होता है कारण होना इसका सिनोनिम है क्रिएट नेक्स्ट वन इज सी ए टी सी एच कैच यानी पकड़ना इसका सिनोनिम है सीज ए एस ई सीज इसका अर्थ होता है बंद करना इसका सिनोनिम है स्टॉप तो अभी हमने पढ़ा है सी ई एस ई सीज यानी बंद करना और इससे पहले हमने वीडियो में कौन सा वर्ड पढ़ा था एस ई आई जेड ई सीज जिसका मतलब होता है पकड़ना तो इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एक ही है सीज पर इनके मीनिंग और इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं होमोफोन्स नेक्स्ट वर्ड इज़ सी एल आई एम बी क्लाइंब यानी चढ़ना और इसका सिनोनिम है माउंट सी ओ एन सी ई एल कंसील यानी छिपाना और इसका सिनोनिम होता है हाइड नेक्स्ट इज सी ओ एन एफ ओ यू एन डी कंफाउंड यानी उलझाना और इसका सिनोनिम होता है कन्फ्यूज़ सी यू आर ई क्योर यानी इलाज करना और इसका सिनोनिम है हील डी डबल ई एम डीम यानी सोचना और इसका सिनोनिम होता है थिंक नेक्स्ट वर्ड इज डी ई एम ए एन डी डिमांड यानी मांगना और इसका सिनोनिम है रिक्वायर और आस्क फॉर डी ई एन वाई डिनाई यानी मना करना और इसका सिनोनिम होता है रिफ्यूज डी ई एस पी आई एस ई डिस्पाइज यानी घृणा करना और इसका सिनोनिम होता है हेट डी ई टी ई सी टी डिटेक्ट यानी पता लगाना और इसके सिनोनिम होते हैं डिस्कवर और फाइंड नेक्स्ट वर्ड इज ई ए आर एन अर्न यानी प्राप्त करना और इसके सिनोनिम होते हैं गेन और एक्वायर ई एन डी यू आर ई इंडियोर यानी सहन करना और इसके सिनोनिम्स होते हैं बियर और सफ़र नेक्स्ट वन इज़ ई एक्स सी यू एस ई एक्सक्यूज़ यानी क्षमा करना और इसका सिनोनिम होता है पाडन एफ एल ओ यू आर आई एस एच फ्लोरिश यानी फलना फूलना और इसका सिनोनिम है थ्राइव एच ई एल पी हेल्प यानी सहायता करना और इसका सिनोनिम होता है सपोर्ट एच ई ए आर हियर यानी सुनना और इसका सिनोनिम है लिसन नेक्स्ट वर्ड है एच यू आर टी हर्ट यानी चोट पहुंचाना और इसके सिनोनिम्स हैं इंजर और डैमेज के डबल ई पी कीप यानी सुरक्षित रखना और इसका सिनोनिम होता है प्रिजर्व के आई डबल एल किल यानी मारना और इसके सिनोनिम होते हैं मर्डर और स्ले एल ई ए वी ई लीव यानी छोड़ना और इसका सिनोनिम होता है क्विट एन ई -E जी एल ई -E सी टी नेग्लेक्ट यानी ना मानना और इसका सिनोनिम होता है डिसरिगार्ड एन ओ टी आई सी ई नोटिस इसका मतलब होता है देखना इसके सिनोनिम्स होते हैं सी और लुक ओ डबल पी ओ एस ई अपोज यानी विरोध करना इसका सिनोनिम होता है ऑब्जेक्ट पी आर ओ टी ई सी टी इसका मीनिंग होता है रक्षा करना और इसके सिनोनिम्स होते हैं डिफेंड और शेल्टर नाउ नेक्स्ट इज आर ई वी ओ एल टी रिवॉल्ट यानि विद्रोह करना और इसका सिनोनिम होता है रिबेल एस ए टी आई एस एफ वाई सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना और इसका सिनोनिम होता है प्लीज नेक्स्ट वर्ड इज़ एस टी ई एल स्टील यानी चुराना और इसका सिनोनिम होता है रॉब एस यू डबल पी आर ई डबल एस सप्रेस यानी कुचलना और इसका सिनोनिम होता है क्रश डी ई एम ओ एल आई एस एच डिमोलिश यानी नष्ट करना और इसका सिनोनिम होता है डिस्ट्रॉय ए डबल सी आई डी ई एन टी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना इसका सिनोनिम होता है इंसिडेंट, ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन एडमिशन यानी प्रवेश इसके सिनोनिम्स होते हैं एंट्री या एंट्रेंस नेक्स्ट वर्ड इज ए आई एम एम यानी लक्ष्य इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑब्जेक्ट और पर्पस ए डबल एफ ए आई आर अफेयर इसका मीनिंग होता है मामला इसके सिनोनिम्स होते हैं मैटर और बिजनेस ए एम यू एस ई एम ई एन टी एम्यूज़मेंट यानी आनंद इसका सिनोनिम होता है एंटरटेनमेंट बी ए डबल टी एल ई बैटल इसका मतलब होता है युद्ध इसके सिनोनिम्स होते हैं वॉर और फाइट बी एल यू एन डी ई आर ब्लैंडर यानी भूल इसके सिनोनिम्स होते हैं मिस्टेक और एरर नेक्स्ट वर्ड इज सी एल एम आई टी वाई क्लामिटी यानी आपदा इसका सिनोनिम होता है डिजास्टर सी एच ए आर ए सी टी ई -E आर कैरेक्टर इसका मीनिंग होता है चरित्र इसका सिनोनिम होता है कंडक्ट सी ओ डबल एम एन डी कमांड यानी आज्ञा। इसका सिनोनिम होता है ऑर्डर सी ओ एन एस यू एल टी कंसल्ट यानी सलाह इसका सिनोनिम होता है एसेंट नेक्स्ट वर्ड है सी आर आई एम ई क्राइम यानी अपराध इसके सिनोनिम्स होते हैं सिन और ऑफेंस डी ई एस टी आई एन वाई डेस्टिनी यानी भाग्य इसके सिनोनिम्स होते हैं डूम और फेट डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस यानी भेद इसका सिनोनिम होता है डिस्टिंक्शन डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी वाई डिफिकल्टी इसका मतलब होता है परेशानी इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑब्स्टैकल या फिर ट्रबल डी आई एस सी ओ वी ई आर वाई डिस्कवरी इसका मीनिंग होता है खोज इसका सिनोनिम होता है इन्वेंशन डी ओ यू बी टी डाउट यानी संदेह इसका सिनोनिम होता है सस्पीशन ई डबल एफ ई सी टी अफेक्ट इसका मीनिंग होता है प्रभाव इसका सिनोनिम होता है रिजल्ट ई वी ई एन टी इवेंट इसका मीनिंग होता है घटना और इसका सिनोनिम होता है अक्रेंस ई एम पी आई आर ई एम्पायर यानी राज्य इसका सिनोनिम होता है किंगडम एफ ए सी ई फेस यानी चेहरा इसका सिनोनिम होता है काउंटेंस एफ ए यू एल टी फॉल्ट यानी दोष इसका सिनोनिम होता है मिस्टेक एफ ओ ई फॉ इसका मीनिंग होता है दुश्मन और इसका सिनोनिम होता है एनिमी नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ ओ आर टी आई टी यू डी ई फॉर्टीट्यूड यानी धैर्य इसका सिनोनिम होता है पेशेंस जी ए आई ई टी वाई गेटी यानी आनंद इसके सिनोनिम्स होते हैं मेरीमेंट और प्लेजर एच ए एस टी ई हेस्ट इसका मतलब होता है जल्दी और इसका सिनोनिम होता है हरी नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जे ई एल ओ यू एस वाई जेलेसी यानी ईशा और इसका सिनोनिम होता है एनवे। जे ओ यू आर एन ई वाई जर्नी यानी यात्रा और इसका सिनोनिम होता है ट्रैवल एल आई ई लाई यानी झूठ इसका सिनोनिम होता है फॉल्सहुड हुड एल आई के ई एन ई डबल एस लाइकनेस यानी समानता इसका सिनोनिम होता है सिमिलैरिटी ओ बी एल आई जी ए टी आई ओ एन ऑब्लिगेशन इसका मीनिंग होता है उपकार या फिर आभार और इसका सिनोनिम होता है ग्रैटिट्यूड पी आर आई डी ई प्राइड इसका मीनिंग होता है अभिमान और इसके सिनोनिम्स होते हैं वैनिटी और एरोगेंस नेक्स्ट वर्ड इज पी आर आई सी ई प्राइस यानी कीमत और इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉस्ट और वैल्यू आर ई एम ई एम बी आर ए एन सी ई रिमेंबरेंस यानी याद और इसका सिनोनिम होता है रिकलेक्शन एस आई एल ई एन सी ई साइलेंस इसका मीनिंग होता है शांति और इसका सिनोनिम होता है स्टिलनेस नेक्स्ट वर्ड है वी आई जी ओ यू आर विगर यानी शक्ति और इसका सिनोनिम होता है स्ट्रेंथ डब्ल्यू आई एस एच विश यानी इच्छा और इसके सिनोनिम्स होते हैं डिजायर या विल तो ये थे आज के वीडियो के सिनोनिम्स तो अगर आपने आज की वीडियो में कुछ नया सीखा हो नई वोकेबलरी नए मीनिंग्स तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो